नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर का, और आज मेरा साथ बेंगलुरु से जोड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मधी पाटला राजशेखर, जो कुछ दिन पहले वायर में एक लेख लिखा कि क्रोनी पूंजीवाद भारतवर्ष में कैसे बदल गया। एक तरह क्रोनी पूंजीवाद कांग्रेस के जमाने थे, जो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार के समय थे, और पिछले 6 साल बीजेपी सरकार में इसका क्या परिवर्तन हुआ है। और ये भी लिखा है उस समय एक कोलगेट एक कोयला घोटाला हुई थी, आज एक नया तरीका का घोटाला हम देख रहे हैं। राजशेखर, धन्यवाद न्यूज क्लिक का दर्शक को आपने आपका समय दिया। तो मैं पहला सवाल जो मेरा है, कुछ दिन पहले 2 नया किताब आया है। एक हमारे डॉक्टर उर्जित पटेल, जो भारतीय रिजर्व बैंक का भूतपूर्व गवर्नर, और एक और लेख आया है ये डॉक्टर विराल आचार्य, वो भी उप गवर्नर थे, डेप्यूटी गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक। और दोनों कहा कि जिस समय उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में था, भारत सरकार ने जो बड़े बड़े हमारे पूंजीपति है, जो बैंक से कर्ज लेके वापस नहीं देते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, एनपीएस बन जाते हैं, तो सरकार ने एक तरह से हमारे जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो एक अधिनियम है, जो दिवालिया और शोधन अक्षमता का एक कोड या अधिनियम है, इसको कमजोर करने का कोशिश किया। तो इस विषय में डॉक्टर उर्जित पटेल और डॉक्टर विराल आचार्य ने क्या कहा और क्यों ये आज महत्वपूर्ण है, ये मेरा पहला सवाल। जो बैंक्रप्सी कोड है, इसकी जरूरत क्यों थी देश के अंदर? कंपनियां, जो कंपनीज होती हैं, जो भी बिजनेस करता है, हमेशा एक डेंजर रहता है कि कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति जिस कैलकुलेशन के साथ अपना बिजनेस शुरू करता है, अगर वो काम, वो कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं बैठते तो उसका बिजनेस बंद हो सकता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई भी बिजनेस शुरू करेगा तो रिस्क तो होगा, अगर रिस्क हैंडल नहीं कर पाए तो फिर बिजनेस बंद होने का चांस है। ऐसे टाइम पे बाहर के देशों में, अमेरिका वगैरह में, एक सिस्टम रहा है कि अगर कोई कंपनी कह सकता है कि अब मेरा दिवाला निकल चुका है, कोई और अगर चाहे तो इस कंपनी को खरीदे और वो कोशिश करे इसको चलाने की, मुझसे चल नहीं रहा। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं था, इसकी वजह से कोई प्रोमोटर आता, बिजनेस शुरू करता, काम नहीं चलता, वो बिजनेस रोक देता और जो बैंक्स हैं उनका पैसा वहीं का वहीं अटक जाता। अगर हम बैंक्रप्सी कोड की जरूरत क्या थी वहां से शुरू करें, तो 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, उसके बाद कई सारी कंपनी, नई नई कंपनीज उठी, वो काफी बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर घुसे, जैसे कि इरिगेशन हो गया, पावर हो गया, हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए वगैरह, जिन सब में ज्यादातर पैसा जो था वो बैंक्स का था। और फिर कई सारी वजह थी, कोयला घोटाला उनमें से एक वजह था, जिससे ये कई सारे प्रोजेक्ट चल नहीं पाए। और फिर बैंक्स को दिखने लगा कि उन्होंने जितने लोन्स दिए हुए थे उनमें से बहुत सारी वो लोन सब वापस आ नहीं रहे थे उनके पास, और इस और इतना पैसा बाहर जा चुका था कि बैंक्स को ये खतरा हो रहा था कि उनको बहुत भारी नुकसान होगा। तो ये कोशिश हुई कि अब ये पैसा हम वापस कैसे लाएं। इस टाइम पर लोग विजय माल्या की बात काफी करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी इस टाइम पर ये बातचीत हुई कि एक बैंक्रप्सी कोड इंडिया में भी लाना चाहिए, जिससे अगर कोई कंपनी अपना लोन पे ना करे तो बैंक उस कंपनी के एसेट्स को धरे और फिर देखे कि अब प्रमोटर से डिस्कस करें कि हम प्रोजेक्ट को फिर से कैसे चलाएं। अगर वो बातचीत नहीं होती ठीक से तो फिर वो प्रोजेक्ट को लेके किसी और को बेचे,
मैं एक बार आपको रोक रहा हूं। जिस समय डॉक्टर रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर थे, उसके बाद डॉक्टर उर्जित पटेल आए हैं, उस समय से हम देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक बार बार सरकार को कह रहे कि बैंक का जब कर्ज वापस नहीं देते हैं किसी भी एक बड़े पूंजीपति, तो 90 दिन के अंदर इसको आप घोषणा कीजिए कि ये एनपीए है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और साथ साथ ये जो हमारा दिवालिया का जो प्रोसेस है, जो बैंकरप्सी कोड में दिवालिया और शोधन अक्षमता का जो अधिनियम है, उसके अंदर चले जाते हैं। एक सिस्टम है, फिर सिस्टम है। हाँ, जैसे आपने कहा, अलग अलग देशों में भी एक ऐसे दिवालियों का दिवालिया का एक तरह अधिनियम है। और एकदम आखिरी जगह में आप पहुंच जाएंगे तो ठीक, कंपनी डूब गया बिल्कुल, तो उसको लिक्विडेशन में जाना चाहिए या परिसमापन होना चाहिए। हमारे देश में हम देख रहे हैं, जब भारतीय रिजर्व बैंक कहा कि बैंक को ये इस तरह से हम इसको घोषणा करें कि 90 दिन के अंदर आप बता दीजिए, तो ये बहुत नाराज हो गए थे। हमारा सिर्फ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और जो बड़े बड़े पूंजीपति का जो संस्था है वो नाराज होगा, सरकार तो इनको मदद करने के लिए तैयार था। और ये जो आईबीसी है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का, इसको कमजोर, मैं ठीक कहा या नहीं? आई थिंक दो चीजें हुई हैं इसके साथ, ठीक है। पहला, हाँ, कंपनी से काफी विरोध हुआ बैंकरप्सी कोड का। वो इसलिए था कि एक जो हवा बनाई गई थी इस टाइम पे, वो ये थी कि कोई भी कंपनी अगर अपना लोन से डिफॉल्ट करती है तो वो डिफॉल्ट इसलिए करती है क्योंकि उसका इरादा, उसकी कंपनी के मालिक का इरादा हमेशा से डिफॉल्ट करने का ही था। बात सच नहीं है, कई सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस चला नहीं पाते, इरादे उनके ठीक होते हैं। यहां अगर आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं तो फिर आप जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई चलेगी। और उस हवा के होते हुए जो प्रणाली जो बनी वो काफी स्ट्रिक्ट भी थी। अब उसको लेके इंडस्ट्री से पुशबैक आया। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ गया था और वहां पर मैं एक पावर प्रोजेक्ट वाले से बात कर रहा था, जो जब वो प्रोजेक्ट लगा रहे थे तब उनको परमिशन देरी से मिले, इक्विपमेंट देरी से मिला, उन दोनों की वजह से उनकी कैलकुलेशन थोड़ी बदल गई। उनको सरकार से और एक वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए था 300 करोड़ का, बैंक से चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था। तो इस तरह के भी कई सारे केसेस हैं जहां पे मैं आपका बात मान लिया कि अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करेंगे तो इसमें खतरा हो सकता है। आप बैंक से आपने कर्ज लिया, आप वापस नहीं दे सकते, इसके ऊपर और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, नोटबंदी हो चुकी थी वगैरह वगैरह। और आप कह रहे जो विलफुल डिफॉल्टर्स, कि आपने जानबूझ के बैंक का पैसा वापस नहीं दे रहे, कि आपके पास पैसा है फिर भी आप बैंक का पैसा वापस नहीं दे रहे, ये अलग बात है। फिर भी हमारे देश में जो बड़े बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स है उसका नाम हम जानते हैं, डॉक्टर राजन ने प्रधानमंत्री को दिया, मगर पता नहीं अभी भी कौन है इसमें। अच्छा, आपके लेख में आपने दिखाया, आपने लेख में लिखा कि 2018 में लगभग 2500 कंपनी को लिक्विडेशन, दे वर फेसिंग लिक्विडेशन, यानी कि परिसमापन के रास्ते में चले गए थे। और आपने कहा ये क्यों, ये एक बहुत बड़ा समस्या है पूरा भारतवर्ष का जो कॉरपोरेट जगत में, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 7000 ही कंपनियां है जिसका आपने कहा टॉप लाइन, यानी कि इनका जो मुनाफा 250 करोड़, मुनाफा नहीं, साल के अंदर आमदनी, साल के अंदर आमदनी, सॉरी, टॉप लाइन मींस टर्नओवर, साल के अंदर आमदनी, आमदनी ये 250 करोड़ के ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है। लगभग आपका बहुत सारे कंपनी डूब गया है, मगर ये आईबीसी कोड सरकार इसको और शक्ति नहीं दे रहे, मगर खुद डॉक्टर उर्जित पटेल कह रहे, विराल आचार्य जी कह रहे कि इसको आप कमजोर करते, इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसको इसका विश्लेषण आप कीजिए। इसको इसको दो तरह से देखा जा सकता है, ठीक है। वीरल आचार्य, उर्जित पटेल क्या कहते हैं अपनी किताब में और वो कौन से डाइल्यूशन की बात करते हैं वो मैं नहीं जानता, वो किताबें मैंने अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। मुझे क्या दिखता है कि पहला ये कि जब 2511 कंपनीज को बैंकरप्सी
के प्रक्रिया के अंदर ले आते हैं, उसका मतलब यह है कि देश की एक तिहाई कंपनियां अभी बिकने के लिए तैयार खड़ी आज के हालात में, और कंपनी अलग अलग रीजन से बैंक्रप्टसी प्रोसेस के अंदर आई। ठीक है, आज की हालात में दो प्रॉब्लम आते हैं। पहला ये कि इन सभी कंपनीज को आप देखें तो हमारी इकोनॉमी में इतनी परचेसिंग पावर नहीं है कि 2500 कंपनीज को कोई और खरीदे। इसकी वजह से क्या होगा कि इनमें से बहुत सारी कंपनियां वो एकदम लिक्विडेट होंगी, कि कोई आके उसकी फैक्ट्री से मेटल ले जाएगा, कोई जमीन ले जाएगा, कोई जमीन के लिए खरीदेगा, उसको एकदम टुकड़े टुकड़े करके उसे बेचा जाएगा, इससे वो फैक्ट्री रिवाइव नहीं होने वाली। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा था कि अब जो कंपनी नीलाम होती है उससे मान लीजिए कोई 10,000 की कंपनी है और वो 3,000 करोड़ में वो बिकी, वो 3,000 करोड़ जो है वो पैसा लगभग सारा का सारा बैंक्स को जाएगा। उस कंपनी के जो दूसरे एकदम ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या सप्लायर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो एक दूसरी चोट उन बंदों को लगने वाली ही थी। अगर हम इस तरह से बैंक्रप्सी कोड को देखें तो उसमें प्रॉब्लम्स काफी थे इस तरह के, कि पैरामीटर स्ट्रिक्ट थे, रिहैबिलिटेशन काफी कम का हुआ। प्रॉब्लम कहाँ आया कि सरकार का जो रवैया था इसके अंदर, वो डाइल्यूशंस जो उर्जित पटेल और वीरल आचार्य कहते हैं वो एक बात, दूसरा यह है कि सरकार से जब सभी लोग मदद मांगते थे तो सरकार ने वहां पर ज्यादा कुछ नहीं किया, सरकार का पूरा ध्यान गया 3-4 कंपनीज को बचाने के लिए। रुक जाइए, इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे जो आपने लेख में लिखा कि कुछ ग्लोबल फंड्स, कुछ अंतरराष्ट्रीय जो फंड्स है, जो निधि है, जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, जो प्रभुधान नीति, किस तरह से हमारे देश में 6 या 7 परिवार के जो बड़े बड़े जो साम्राज्य है, जो कॉरपोरेट साम्राज्य है, ये सारे संपत्ति जो स्ट्रैंडेड एसेट्स है, जो फंसी हुई है संपत्ति, किस तरह से कम कीमत में खरीद रहे हैं। इस विषय के पहले हम आपका लेख में आपने 2 उदाहरण दिया, और क्यों दिया? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें इसका उसको मालूम है क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि हमारे कैबिनेट का जो समिति है, जो अर्थनीति विषय के ऊपर, तो प्रधानमंत्री को सब मालूम है। तो पहला उदाहरण है जिस विषय के ऊपर मैं और आबिर चक्रवर्ती लेख, बहुत सारे लेख न्यूज क्लिप के हमारा छपा है, है 3 भारतवर्ष के सबसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, जो बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है गुजरात में। तो ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि एक टाटा ग्रुप के है, कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड, एक एसआर ग्रुप का है और एक अडानी ग्रुप का है, इसका लंबा एक इतिहास है। मगर सचमुच इनको सरकार डूब रहे थे सुप्रीम कोर्ट का एक राय होने के बाद, मगर सरकार बचा दी, एक तरह से बोला कि एक नया पीपीए कीजिए आप, सप्लीमेंट्री पीपीए पावर परचेस अग्रीमेंट्स, सप्लीमेंट्री मतलब पूरक, बिजली उत्पादन के लिए जो समझौता होता है, क्योंकि ये 3 भारतवर्ष के सबसे बड़े बिजली उत्पादन का कंपनी, सिर्फ गुजरात नहीं, गुजरात के आधा के आसपास 45% बिजली ये 3 कंपनी देते हैं, राजस्थान को मिलता है, महाराष्ट्र को भी मिलता है, पंजाब हरियाणा ये सारे राज्य को मिलता है। ये कंपनी सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद एकदम डूब रहे थे, मगर सरकार एक नया समिति गठन किया, हाई पावर कमिटी, इनको बचा दिया एक तरह से, और गुजरात का सरकार भी उनका एक पुराना एक जो एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था वो भी आज बदल दिया इनके लिए। तो ये आप क्यों कह रहे हैं, ये एक क्रोनी पूंजीवाद का एक प्रतीक है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। जैसा मैं पहले कह रहा था कि देश में अगर कुल मिला के 2511 कंपनी 2018 में अगर वो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में घुस चुकी थी, यानी कि अब उनको अगर कोई निवारण नहीं होता तो इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट को हटाया जाता, बैंक्स टेक ओवर करती और बैंक्स बेच देती। ठीक है, इनमें से लगभग 30 से थोड़ा ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पावर प्रोजेक्ट्स ही थे इनके जैसे,
35 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पर फेस बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, वो दिवालिया का रास्ता में चले जाए। क्योंकि किसी चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो कोल ब्लॉक एलोकेशंस कैंसिल कर दिया, आप रद्द कर दिया गया, यूपीए सरकार थे कोलगेट घोटाला। तो यहाँ पे हाँ, तो सीधा सा सवाल, ओके, अगर आपके अफेक्टेड प्रोजेक्ट्स 35 हैं, ठीक है, और ये क्रिटिकल सेक्टर है, हाँ, देश को बिजली की जरूरत है वगैरह वगैरह वगैरह, तो या तो फिर सरकार ये कहे कि या तो हम सभी को बचाएंगे या हम सभी के साथ जो कानून है बैंक्रप्सी वाला वो लगने देंगे। अगर सरकार बीच में आके एक कमिटी बनाती है 3 प्रोजेक्ट्स को बनाने बचाने के लिए, तो वो बात गलत है, क्योंकि देश के अंदर जो आपका मार्केट होता है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अभी जो मुझे दिखता है बैंक्रप्सी कोड में वो ये है कि जब सरकार आके 3 कंपनीज को बचाती है, इन 3 कंपनीज को अगर पता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम बचते रहेंगे, हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा लोन ले लूंगा तब भी मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सरकार फिर भी आके बचाएगी, तो होता क्या है कि अब एक कोई छोटी कंपनी गलती करती है, बैंकरप्सी में चली जाती है, उसने मान लीजिए 5,000 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट लगाया था, नीलामी में अब अगर 2,500 कंपनीज बिक रही हैं और इतने बायस नहीं है, तो फिर कुछ कंपनीज जो है, जो आप कह रहे थे 6 या 7 ग्लोबल फंड, 5 या 5 या 6 इंडियन बिजनेस ग्रुप्स, वो आके ये बहुत सारी बाकी कंपनीज के प्रोजेक्ट वगैरह बहुत सस्ते में खरीद रहे। अच्छा, मैं आपको एक और आपने उदाहरण दिया आपका लेख में, इसके विषय आप जरा सरल भाषा में हमारे दर्शक को समझा दीजिए। ये है एसआर ऑयल और साथ साथ रूस का जो रोजनेफ्ट, हाँ, और ONGC विदेश, जो एक तरह से एक वांकोर करके एक कच्चे तेल उत्पादन के लिए रूस में एक ऑयल फील्ड है, और साथ साथ रूस के एक बहुत बड़ा एक कंपनी है रोजनेफ्ट। इसमें पूरा जो डील हुआ है, इस विषय के ऊपर भी आपने कुछ लंबा लेख लिखा है, ये जरा आप संक्षिप्त में सरल भाषा में जरा हमारे दर्शक को समझा दीजिए, इसमें गड़बड़ कहाँ हुआ? तो ये एसआर की कहानी है, ठीक है। एसआर इंडिया में कुछ बिजनेस ग्रुप्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बैंक से बहुत लोन लिए हैं। ये जो हमारा एक रिपोर्ट आया था हाउस ऑफ डेट के नाम से 2012 में क्रेडिट स्वीस का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कुछ बिजनेस ग्रुप्स के नाम दिए थे, कहते हुए कि इन लोगों ने इतना कर्जा ले रखा है बैंक से कि ये उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर पा रहे। वहां से ये सब बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी की बातचीत शुरू हुई थी कि बिजनेस ग्रुप्स जो है हमारे वो कर्जे में डूबे हुए। उनमें से एक एसआर था। जब एसआर पे ये प्रेशर पड़ने लगा कि आपका जो आपने जो लोन्स लिए हैं उनको वापस चुकाओ, तो उन्होंने क्या कोशिश करी, उन्होंने ये कोशिश करी कि वो अपनी रिफाइनरी को बेचे और उस रिफाइनरी को बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे एसआर स्टील को बचाए। एसआर रिफाइनरी को खरीदने के लिए 2 कंपनीज काफी इंटरेस्टेड थी, एक सऊदी अरेबिया की अरामको, दूसरा रशिया का रॉसनेफ्ट। दोनों कंपनीज को इंडियन मार्केट में एक्सेस चाहिए, इसलिए वो इंटरेस्टेड थे। अब अजीब बात क्या होती है कि रॉसनेफ्ट जो है उसने एसआर की रिफाइनरी को देखा और कहा कि इसकी कीमत में लगभग 34,000 करोड़ पे लगाता। एसआर ने उस टाइम पे उसकी कीमत लगाई थी लगभग 54,000 या ऐसा कुछ, ठीक है। जब डील हुआ फाइनली 34,000 और 54,000, ये हाँ, फर्क था इसका। हाँ, तो रॉसनेफ्ट कह रहा है कि इसकी रिफाइनरी का इसका जो कीमत कितना होना चाहिए, जो वैल्यूएशन हाँ, क्या होना चाहिए। हाँ, तो रॉसनेफ्ट कह रहा है कि मैं 34,000 दूंगा। एसआर कह रहा है कि नहीं, इसकी कीमत 54 होनी चाहिए, यानी 54,000 के आसपास होनी चाहिए। ये बातचीत चल रही थी, ठीक है। फाइनली लेकिन जब डील हुआ तो ये 72,000 करोड़ का हुआ। राजशेखर, आप कह रहे थे कि रोजनेफ्ट, रूस के रोजनेफ्ट, एसआर का रिफाइनरी खरीदने के लिए 34,000 करोड़ के आसपास देने के लिए तैयार था। एसआर मांग रहे थे
54,000। मगर सब लोग आश्चर्य हो गए थे जब एकदम जब आखिर में जब सब कुछ खत्म हो गया, जब व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिला, ये इसका डील का बढ़ गया 72,000 करोड़। और लोग आश्चर्य हो गए, इसके पीछे क्या ये कारण क्या था बताइए जरा। तो 2018 में मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से मिला था जो इस डील पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब आपने न्यूज में देखा कि साइज क्या है डील का, तो क्या सोचा आपने? तो वो बोले कि मैं बहुत हैरान हुआ। फिर मैंने अपने और दोस्तों को फोन किया जो इस डील पे काम कर रहे थे, और मैंने कहा कि तुम्हें पता था कि ये इतना बड़ा डील होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने भी नहीं सोचा था। ये डील जो है इसको मैं एक अंग्रेजी में एक एसिमेट्रिक डील बोलेंगे कि एक व्यक्ति को बहुत फायदा हुआ, एक को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। एसआर को फायदा हुआ, एसआर को फायदा हुआ, रॉसरफ ने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया। अच्छा, और इतना पैसा दिया कि, आप एक तरह से लोगों को समझा दीजिए सरल भाषा में, इसके साथ ओएनजीसी विदेश, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो विदेश में है, वो क्यों फिर रूस के जो वैंकोर ऑयल फील्ड जो रोजनेफ्ट के है ज्यादा पैसा क्यों दिया? हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग टाइम इसीलिए है कि एक तरफ रोजनेफ्ट ने एसआर को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, ठीक है, ये हुआ। इसी वक्त पर रोजनेफ्ट के जो ऑयल फील्ड है साइबेरिया में वैंकोर का, उसके अंदर भारतीय ऑयल कंपनीज ओएनजीसी विदेश, उसके बाद में भारत पेट्रोल रिसोर्सेस वगैरह आ गए थे। इसी टाइम पर हमारे देश की जो सरकारी ऑयल कंपनीज हैं वो बैंकॉक के अंदर 50% से थोड़ा कम स्टेक खरीद रहे थे, माइनॉरिटी स्टेक खरीद रही थी। 49.9 वेल डन, हाँ 49.9%। हाँ, अजीब बात ये थी कि हमारे जो देश की जो ये कंपनीज हैं उन्होंने बैंकॉक को जितना पैसा देना चाहिए उससे बहुत ज्यादा पैसा दिया। तो ये फिर से वैसा डील। आप कह रहे कि रॉसनेफ्ट को एक जगह में नुकसान हुआ और एक जगह में बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और पैसा कहां से आया? ओएनजीसी विदेश से आया। ओएनजीसी विदेश एक सरकारी कंपनी है, सरकार इनके मालिक है, इसका जो शेयर होल्डर कौन है? भारतवर्ष का आम तो नागरिक है। हाँ, अब इसको समझना जरूरी है, राइट, कि आई थिंक हुआ क्या है कि अब एक तरह से आप देखेंगे तो ये दोनों डील जो हैं ये अलग अलग डील्स हैं, इनके अंदर कुछ तालमेल नहीं है। उनमें सिमिलैरिटी बस ये है कि दोनों में रॉसनेफ्ट है, ठीक है, दो अलग अलग डील। लेकिन जो कहा जा सकता है वो ये है कि रॉसनेफ्ट ने जो नुकसान उठाया एसआर को ज्यादा पैसा देके, उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक सरकारी तेल कंपनी से हुई जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे बैंकॉक के लिए दिए। और जब मैं कहता हूं कि बैंकॉक के लिए पैसे ज्यादा दिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी दो वजह है। एक ये कि 2015 में ये पहला डील हुआ और फिर 15% के लिए, और फिर वो अगले एक साल में 49.9% तक हो गया। 2015 में वैंकोर का जो ऑयल फील्ड है उसमें उसका प्रोडक्शन जो था वो पीक कर गया, यानी कि उसके अगले साल से गिरने लगा, एकदम ऊपर पहुंच के उसके बाद नीचे जा। हाँ, हाँ, अब ये बात जो है जब कोई रिसर्च करता है किसी चीज को, कोई ऑयल फील्ड को खरीदने से पहले वो देखता है कि अब इसका उत्पादन कितना रहेगा। अगर वो स्टडी किया गया था तो फिर इनको पता चलता कि ठीक है अभी 22 मिलियन टन अगर सालाना प्रोडक्शन है तो ये 2020 तक ये 13 मिलियन टन होने वाला है। ये बात रॉसनेफ्ट के अधिकारियों ने खुद ही कहा हुआ है मीडिया के अंदर। उसके बावजूद जो ओएनजीसी विदेश ने दिया वो दर बदला नहीं। और एक और अजीब बात ये थी कि 2014 में रशिया के ऊपर अमरीका और यूरोप ने सैंक्शन लगा दिए थे। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया था, उसके बदले में ओबामा ने कई सारी कंपनीज जो प्यूटिन
के करीबी चलाते हैं उन सबके ऊपर सैंक्शंस डाल दिए। रॉसनेफ्ट उनमें से एक कंपनी थी। सैंक्शंस डालने का मतलब यह है कि अब वैंकोर के लिए अगर मान लीजिए कोई चीन की कंपनी या ब्राजील की कंपनी अगर खरीदना चाहती थी या इन्वेस्ट करना चाहती थी वो सब हट गए, यानी कि खाली इंडिया ही था इस मार्केट के अंदर। उसके बावजूद भी ये जो रेट्स हैं ये जिसपे हमने खरीदा वो गिराया नहीं गया, हमने ओवरपे किया। और ये बात अगर आप एनालिस्ट रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो भी कहेंगे। तो राजशेखर हमने दो उदाहरण लिया, एक है वो तीन बड़ा गुजरात में जो बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है, एक टाटा ग्रुप में, एक एसआर ग्रुप में। सॉरी परंजॉय, एक बात ओके, ये पॉइंट कंप्लीट करने के लिए वो ये है कि जैसे ही तो एक प्रणाली ये है कि सबसे पहले ऑयल कंपनी से बहुत सारा पैसा रॉसनेफ्ट में आ गया, रॉसनेफ्ट ने फिर अलग से एसआर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे दे दिए, उन पैसों और वो पैसे जो थे वो मॉरिशियस वगैरह में पेमेंट हुआ था, और फिर उस पैसे को लेके एसआर ने एसआर स्टील को बचाने की कोशिश करी। और उनको फायदा क्या हुआ, उनको फायदा ये हुआ कि अगर बैंक्स आके एसआर रिफाइनरी को का कब्जा कर लेते तो एसआर को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हुआ क्या, उनको 72,000 करोड़ मिले, जिससे फिर उन्होंने वो एक बहुत, आपको ये बात पता है कि उन्होंने फिर लगभग दो साल के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी कि एसआर स्टील उनके हाथ से ना जाए। उन्होंने रशिया में एक बैंक है वीटीबी, उससे कहा कि आप हमारे साथ अलाई करो। जब फिर केस हुआ कि एसआर बिड नहीं कर सकता तो उन्होंने फिर एक और कंपनी से कहा, ये बहुत लंबा कानूनी एक लड़ाई, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वो अपेलेट बॉडी में, ये इसी सब मामले में। तो हम आगे बढ़ते हैं राजशेखर, आपने हमने दो उदाहरण आपने दिया जो क्रोनी पूंजीवाद के उदाहरण को या प्रतीक आप कह सकते हैं। एक है वो गुजरात में तीन जो बिजली उत्पादन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो विदेशी कोयला के ऊपर निर्भर करते हैं, एक टाटा ग्रुप, एक एसआर ग्रुप और एक अडानी ग्रुप। आपने फिर भी उसके बाद दूसरे जो उदाहरण दिया है ये एसआर और वो रशिया का जो रॉसनेफ्ट और हमारे ओएनजीसी विदेश के बारे में आपने ऐसे दो और कंपनियां का नाम आप किया, एक तो है आर्सेलोर मित्तल और वेदांता ग्रुप। आपने ये भी लेख है कि हमारे देश में कोयला खनन का जो राष्ट्रीयकरण हुई थी, नेशनलाइजेशन हुई थी 71 साल में इंदिरा गांधी के समय, आज आहिस्ता आहिस्ता उसका निजीकरण हो रहा है। भारत सरकार ने कोयला का ब्लॉक को नीलाम में बोली में, आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष का जो कोल रिजर्व्स है, जो कोयला का भंडार है, इसके आधा के आसपास आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंपनियां 24 25 30 कंपनियां या परिवार के पास जाने वाला है। एक समय हम कहते थे 80% भारतवर्ष का जो कोयला का भंडार है, जो कोयला का उत्पादन होता है, ये एक सरकारी कंपनी कोल इंडिया करते थे। आज आप देख रहे हैं निजीकरण की तरह सरकार जा रही है, और साथ साथ आप कह रहे हैं कि कुछ ग्लोबल फंड्स है जो सॉवरन वेल्थ फंड्स है, जो प्रभुधान निधि है, जो पेंशन निधि है, इन लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश का संपत्ति खरीद रहे हैं, जो स्ट्रैंडेड एसेट्स है, जो फंसे हुए संपत्ति है। और ये कम नहीं, 6-7 भारतवर्ष के जो परिवार है, बड़े बड़े पूंजीपति है, बहुत ही कम कीमत में ये सारे कंपनी जो डूब रहे थे, इसका दिवालिया हो गया, इसको खरीद रहे हैं। और ये है नया प्रतीक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का सरकार का नया क्रोनी पूंजीवाद की एक उदाहरण। आप जैसे पहला दो सवाल पूछा आपने बार बार, वो दोबारा मैं कह रहा हूं, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो कैबिनेट का जो समिति है जो अर्थशास्त्र विषय के ऊपर, तो इस तरह से सरकार किस तरह से कुछ परिवार को, कुछ पूंजीपति को मदद कर रहे हैं, ये हमारे सामने साफ हो गया। तो आप ये जो बड़ा जो छवि है, जो बिग पिक्चर है, आप हमारे दर्शक के लिए ये आपका जो आखिरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो कमेंट्स है, ये आप कीजिए। ओके, 2012-13-14 में मैं इकोनॉमिक टाइम्स में, और तब मैं कोयला घोटाले पे लिख रहा था,
उस टाइम पर यह देखा था कि कोयला घोटाला में प्रॉब्लम ये नहीं था कि सीएजी ने जितना पैसा आना चाहिए कहा था वो नहीं आया। कोयला घोटाला में प्रॉब्लम ये था कि लगभग कोई 50-70 परिवार जो थे उन्होंने देश का लगभग आधा कोयला बटोर लिया। इनमें से कई सारे परिवार वैसे थे जिनको आयरन ओर की खदानें भी मिली हुई थी, जो अरुणाचल में जो हाइड्री प्रोजेक्ट बन रहे थे वहां भी एक्टिव थे। तो ये एक तरफ से एक ओलिगार्की 2014 के आसपास बन रहा था कि देश में कुछ उद्योगपति बहुत ज्यादा बड़े बन रहे थे क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस। अभी हम भाजपा के टाइम पे देखें तो जब ये कोल ब्लॉक डी एलोकेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे एलोकेशन रद्द कर दिए, तो कुछ हद तक देश पीछे की ओर गया कि ये जो अलिकार की था वो पीछे की ओर गया। अभी हम कुछ और देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि और ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ अपने काम के तहत, लेकिन अभी ये लगता है कि जैसे बैंक्रप्सी कोर्ट चल रहा है, जब सरकार जब नियम बहुत टाइट होते हैं तो कई सारी कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट में घुस जाती हैं। सरकार जब सबकी मदद करने के बजाय कुछ की मदद करती है तो होता क्या है कि बाकी कम, तो ये जो 6 या 7 ग्लोबल फंड्स हो गए या 3 या 4 ग्लोबल कंपनीज हो गई या 6 या 7 इंडियन बिजनेस ग्रुप हो गए, ये इन 2511 कंपनीज को काफी सस्ते में खरीदने लग गए हैं। अगर स्टील का सेक्टर है जैसे कि, उसमें अगर सबसे बड़ी 6 कंपनीज एक टाइम पे 50-55% स्टील प्रोडक्शन करती थी इंडिया का, अब क्या हुआ है कि जायसवाल निको, मॉनेट, आधुनिक, इस तरह की कई सारी कंपनियां जो हैं ये सब बिक गई हैं और इन सबको बड़ी कंपनी से खरीदा। तो धीरे धीरे स्टील सेक्टर जो है उसको उसका लगभग 80-85% प्रोडक्शन सबसे बड़ी 6 कंपनीज करने वाली है। और एक टाइम पे ये देश वैसा देश था जिसके अंदर अगर एक बिजनेसमैन अपना कोई कंपनी लगाता और वो 10 करोड़ से शुरू करके उसको 100 करोड़ तक पहुंचा देता, तो उसका बेटा जो है 100 करोड़ की कंपनी को लेकर 500 करोड़, 1000 करोड़ बना देता और फिर तीसरे जनरेशन में जाता। अब क्या हो रहा है कि अब आपकी जो ये छोटी कंपनीज है ना, अब ये ग्रो नहीं कर पाएंगी। अब वो धीरे धीरे, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर मैं स्टील कंपनी से बात कर रहा था, ये आपका एक शारदा एनर्जी एंड मेटल्स है। लगभग 50 साल पहले जब छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा था तब इनके पूर्वजों ने कंपनी लगाई थी। अभी वो कंपनी वाले मुझे कह रहे हैं कि अब हम आगे स्टील में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम कंपीट नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी कंपनी के साथ। अगर हमारा राइवल कोई 20 मिलियन टन एक साल में बनाता है और हम 10 लाख टन बनाते हैं तो कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। तो ये लोग स्टील इंडस्ट्री को छोड़ेंगे और वो डेयरी में जाएंगे। इसी तरह से जो आपके दूसरे बंदे हैं वहां पर, एक एलईडी बल्ब्स में जा रहा है, दूसरा ई रिक्शास में जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो बड़ी कंपनीज थी वो बाकी छोटी कंपनीज को सस्ते में खरीद रही है, खुद बहुत बड़ी होती जा रही है। हाँ, और एक तरह से जो सबसे बड़े जो पूंजीपति है वो आगे बढ़ रहा है और सरकार दिखाने के लिए कह रहे हैं हम एमएसएमईज, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे लघु उद्योग को हम मदद कर रहे हैं, इनको हम कर्ज दे रहे हैं, मगर असलियत और कुछ है। जो बड़े बड़े कंपनीज है और इसमें सारी कंपनी ने, कुछ कंपनियां आगे बढ़ रहे तीव्र गति से और बाकी छोटे छोटे कंपनी और मीडियम साइज कंपनीज वो डूब रहे हैं और उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, एक बड़े कंपनी है, बड़े ग्रुप का एक हिस्सा बन जाए। हाँ, परंतु दो चीजें हो रही है। पहला ये कि मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि सारी बड़ी कंपनीज ग्रो कर रही हैं। हो क्या है कि सब में भी दो चार है ऐसे। हाँ, हर एक सेक्टर में आपको एक या दो कंपनी काफी ग्रो करते हुए दिखती है। स्टील में आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू बहुत ग्रो किया है, ठीक है। अगर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन देखेंगे तो वेदांता ने बहुत ग्रो किया है। हाँ, एविएशन में आप देखेंगे तो जेट एयरवेज तो खत्म हो गया। हाँ, स्पाइसजेट ने बहुत ग्रो किया, राइट। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि अब एक एक सेक्टर में एक एक बंदा ग्रो करने लग गया है। पहले होता था
कि बड़ी कंपनियां बहुत ग्रो करती थी, छोटी दबी रहती थी, एमएसएमई इतना उग नहीं रहे थे पिछले 20 साल में। अब ये हो गया है कि अब आपकी जो पहले जो अपनी 5-6 करोड़ की कंपनी भी थी, अब वो भी देखेंगे, वो भी ग्रो नहीं कर सकती। अब वो जो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेवर्ड कंपनीज का जो दायरा है वो सिमट चुका है, एक तरह से एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन हम देख रहे हैं हमारे सामने में, एक कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कि इनइक्वालिटी जो हम सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, अब वो इंडस्ट्री और इकोनॉमी में और बहुत बहुत क्लियरली वो भी दिखने लग गया है। तो हमारा वक्त अभी खत्म हो गया राजशेखर, अत्यंत धन्यवाद। आपका मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी आप लोगों को सरल भाषा में समझाया कि बीजेपी सरकार के समय क्रोनी पूंजीवाद का नया रूप, नया चेहरा, नया चरित्र कैसा है। धन्यवाद, और आप सब देखते रहिए न्यूज़क्लिक। Thank you.